नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। और आज खास बातचीत के इस मौके पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रायपुर विधानसभा सीएसपी उदयन बहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज प्लस 21 के इस चैनल पर, और हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी उनके मन में। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय हम आपसे चाहेंगे। मैं, जैसा कि इन्होंने मेरा नाम बताया, उदयन बिहार, मैं मूलतः सारंगढ़ रायगढ़ जिले का रहने वाला हूं जी। और मेरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक जो है कक्षा 12वीं तक सरस्वती शिव मंदिर सारंगढ़ में ही हुई है जी। उसके बाद मैंने रायपुर जीसी से इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में, और उसके पश्चात मैं वहाँ 2 साल लगभग पढ़ाया हूँ, वहीं टीचिंग का काम मैंने किया जी। और फिर वहाँ 1 साल कोचिंग की सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जी। और फिर 1.5 साल आईटीआई में एक गवर्नमेंट जॉब मेरी लगी थी, तो वहाँ लगभग 1.25 साल के आसपास मैं पढ़ाया। और फिर इस सिविल सर्विसेज में डीएसपी के रूप में चयनित हुआ मैं, और चयनित होने उपरांत फिर इस सेवा में 8 साल लगभग पूरे हो चुके हैं मुझे। आपका नाम बहुत ही यूनिक है, और उद्यान का जो इशारा जो कर रहा है अर्थ है वो कहीं ना कहीं उड़ान की ओर ले जाता है। मूलतः उदयन बोला जाए तो दक्षिण भारतीय नाम है जो हम पढ़ते हैं, और उदयन का अर्थ वही प्रगति करना, प्रगति की ओर ले जाना करके है। अब पिताजी ने नाम रखा है तो ठीक है। इस उड़ान जो शब्द है और जो प्रगति का शब्द है, इसके पीछे बहुत सारे संघर्ष जो आपने देखे होंगे, और संघर्ष से सफर करना ही आपको अवसर बनाते हैं, कहीं ना कहीं ये बात बहुत सत्य है। इसमें हम जानेंगे कि स्कूल शिक्षा आपने जब ली है तो उस समय क्या प्लानिंग्स थे आपके, कि आप चाहते थे कि डीएसपी बनना, या फिर कोई और प्लानिंग था लेकिन पढ़ते पढ़ते कभी कभी बदल जाता है, क्या कहेंगे इस पर? जब हम देखेंगे कि आप, हम जब भी कभी स्कूल पढ़ते हैं तो हम जिस भी किसी प्रतिष्ठित आदमी को देखते हैं या कोई अच्छी जॉब वाले को देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम वही बने जी। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कई लोग सिविल सर्विसेज में मतलब हैं, इन्वॉल्व हैं, इस फील्ड में थे, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में शुरू से था कि मैं इस फील्ड में जाऊं, प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं। तो पर 12वीं के बाद चूंकि इंजीनियरिंग की तो वो चीज़ें दब गई थी, बट इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने ये आपका सीएसईबी का एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें उसमें मैं अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाया था, मैं उसमें इंटरव्यू में कट गया था मैं उसमें, तो उसके बाद से ही फिर मेरा झुकाव पीएससी की तरफ हुआ, फिर मैंने पीएससी की तैयारी चालू की थी। कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे होंगे जिसका थोड़ा प्रभाव आपको इस ओर खींच लाया हो? फ्रेंड सर्कल में तो मेरे ऐसे नहीं थे जिनका प्रभाव खींच लाया हो, परिवार में ही थे। और एक मुझे छत्तीसगढ़ में रहकर ही नौकरी करना है, बेसिकली मेरा ये थॉट शुरू से था। तो उसके लिए जब मैंने देखा टेक्निकल साइड से अपना नहीं बन पा रहा है, तो मैंने नॉन टेक को फिर नॉन टेक्निकल साइड को चुना फिर उसके बाद मैंने।
कहीं ना कहीं देखिए सिविल सर्विस की जो तैयारी है वो काफ़ी कठिन होती है और जो मेहनत जो है हर किसी भी एस्पिरेंट्स को पर्याप्त करना होता है इसके लिए। सिविल सर्विस के तैयारी के में कितना समय लगा और किस तरह से आपने इसकी तैयारी की और कितने अटेम्प्ट्स जो हैं आपको लगे इसको क्लियर करने? मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी सिर्फ एक साल ही मैंने की, बिलासपुर में गुरुकुल इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग किया और एक साल मैंने कोचिंग किया था, प्री और मेंस का दोनों का इकट्ठे किया था और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा ये क्लियर हो गया था, पहले अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया। बहुत अच्छी बात है ये। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं क्योंकि आप जब सिविल सर्विस में आ चुके हैं, आप डीएसपी के पद पर आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं और इसके बाद फिर ज्वाइनिंग और फिर ट्रेनिंग्स के बहुत सारे जो परंपरागत जो नियम है प्रशासन के उसको फॉलो करने होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसी चुनौतियां जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहें? ट्रेनिंग के दौरान चूंकि सभी जानते हैं कि पुलिस की ट्रेनिंग में फिजिकल फिटनेस काफ़ी महत्व रखती है तो हमको उसकी आदत होती नहीं है, तो वो सुबह उठना जो 5 बजे से उठकर जो दौड़ भाग लगानी होती थी और उसके बाद के जो दौड़ भाग करने के बाद जो क्लासेस अटेंड करने पड़ते थे उसमें काफ़ी नींद आती थी जी, तो वो शुरू से ही सबके लिए परेशानी का विषय था। बाकी धीरे धीरे जैसे आप लगातार उन चीज़ों को करते हैं तो आप उनमें ट्रेंड होते जाते हैं, तो कुल मिलाकर के ट्रेनिंग अच्छी निकली और अच्छे से हो गई, ऐसे कोई बहुत समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा एक सवाल है मेरा, जैसे ही आपके ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के टाइम भी कई जगहों पर पोस्टिंग मिलती है, पहली पोस्टिंग कहाँ मिली है आपको? ट्रेनिंग के टाइम पे प्रोबेशन पीरियड हमारा जो परिवेक्षा अवधि रहती है उसमें धमतरी जिले में मैं पोस्टेड रहा, लगभग 1.25 साल वहाँ प्रोबेशन मेरा रहा है, प्रोबेशनर हूँ वहाँ का मैं। अब चूंकि अब धीरे धीरे से क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी और आपके नाम के सामने सीनियरिटी का भी जो बिल्ला है वो लगते जा रहा है, बेच लगते जा रहा है, राजधानी में अब है, राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, यहाँ पर जो पुलिसिंग का जो काम है बहुत ही चैलेंजेस है क्योंकि देश भर से कनेक्ट होते हैं राजधानी से लोग, राजधानी में पुलिसिंग में क्या चैलेंजिंग जो है आपको देखने को मिलता है? सबसे बड़ा चैलेंज राजधानी में ये होता है कि आप चूंकि राजधानी में है तो किसी प्रकार की घटनाएं होती हैं पूरे प्रदेश स्तर में उसकी पूछपरख होती है और राजधानी में उन चीज़ों पर तुरंत रिस्पॉन्ड करना, मतलब हर चीज़ों पर, मतलब कोई भी घटना होती है तो उस पर तत्कालिक रिस्पॉन्स करने से घटनाओं की ग्रेविटी बढ़ने से कम किया जा सकता है, तो तत्काल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ मैं राजधानी में रहते हुए, मेरा पर्सनल अगर व्यू पूछा जाए तो। राजधानी में ही एक और हम दूसरी बात देखते हैं क्योंकि बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो प्रेशर्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है और प्रशासन के भी जो बड़े पद के जो लोग होते हैं जैसे IG होते हैं, DG होते हैं, सब राजधानी में ही रहते हैं, उनका आवागमन पूरे तरीके से ग्राउंड पे भी रहता है, तो उस बीच में कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन करने पर किस तरह से समस्या आते हैं? मूलतः जब भी VIP मूवमेंट होता है या अनेक प्रकार के धरना प्रदर्शन होते हैं तो उसकी पूर्व तैयारी हम लोगों के द्वारा की जाती है, कैसे यातायात व्यवस्था रहेगी, कैसे कौन से रूट से ले जाना है, ये सब चीज़ों की तैयारी हम किए रहते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल होता है या नॉन पॉलिटिकल जो भी चीज़ें होती हैं उनकी लगातार मीटिंग वगैरह लेके उनका रूपरेखा तय करते हैं, उसके हिसाब से ही पूरे एग्जीक्यूशन इसमें करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और बहुत सारे से सवाल हैं जो दर्शकों के भी हैं और हमारे भी सवाल है क्योंकि आम जनता जो है पुलिस से रूबरू तो होते रहती है लेकिन कई सारे ऐसे सवाल कॉप्स के लिए भी होते हैं और उनके दिनचर्या में जो रहते हैं जीवन शैली में कई तरह के जो होते हैं जो आम आदमी को मालूम भी नहीं होता है कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं। कई ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हुई होंगी, आप DSP के पद पर आए या उससे पहले भी, जो आपको जीवन में एक ऐसा सीख दिया हो कि कहीं ना कहीं हाँ सुरक्षित रहने के लिए आपको सावधान होना जरूरी है, ऐसी कोई घटना? अब क्राइम की बात करें जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं उस हिसाब से व्यक्ति को तो हमेशा सतर्क होनी चाहिए और ये चीज़ है कि अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में शेयर करने से बचना चाहिए, जैसे कि आप कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, अपने घर को खुला छोड़ के जा रहे हैं या आपका घर बच्चा घर में अकेला है तो मैं आपको मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ ऐसा करके जो है पब्लिकली जो मैसेज करते हैं उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्या पता आपके बीच में से ही कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन को देख रहा है। और व्यक्तिगत बात करें तो मुझे व्यक्तिगत जीवन में तो ऐसे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है, किंतु लोगों के लिए मैसेज है कि अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पर्सनल ही रहने दे, पब्लिक स्पेस में शेयर ना करें। एक वर्तमान में क्राइम की घटना का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं यानी कि साइबर क्राइम की हम अगर बात करें तो प्रदेश में नहीं देश भर के कई अलग अलग हिस्सों में तमाम नए नए तौर तरीकों के साथ साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही है और उसको रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ जो OTT प्लेटफॉर्म या शॉर्ट स्टोरीज या फिर वेब सीरीज के माध्यम से भी कई तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी साइबर क्राइम जो है अलग अलग रूपों में समय के साथ वो खुद भी अपडेट होते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए किस तरह से प्रयास करने चाहिए, लोगों को क्या
सुझाव आप देना चाहेंगे ताकि उसे थोड़ा सुरक्षित हो सके? साइबर क्राइम के विषय में जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसके लिए हमारी रायपुर पुलिस द्वारा सुनो रायपुर के तहत जो है साइबर क्राइम में जागरूकता अभियान चलाया गया था। लगभग एक हफ्ते तक के एक्सटेंसिव अभियान में 2 लाख से ऊपर लोगों को लगभग इसमें जागरूक किया गया है। इसके उपरांत भी हम अगर देखते हैं कि कोई नए पद्धतियों का उपयोग करते हुए जो क्रिमिनल है अगर वो करते हैं तो बिल्कुल उनकी सूचना आने पर हम तत्काल रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी विंग बनी हुई है, अलग अलग हर थानों में अलग से साइबर के लिए आरक्षक जो हैं या फिर उनके ऊपर के अधिकारी प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा साइबर क्राइम जो सेल है उस पर भी हम जानकारी को तत्काल दे देते हैं ताकि जो है अगर पैसा ट्रांसफर हो गया है या किसी प्रकार का फ्रॉड हो गया है या कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी गई है उन सबको डाउन किया जा सके और पैसे को रुकवाया जा सके। इस सब प्रकार के हम अब उपाय अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ साइबर अपराध होता है या किसी से फ्रॉड होता है, किसी के बैंक खाते से कोई पैसा निकाल लेता है, तो अगर वो त्वरित पुलिस थाने तक पहुंच जाए तो निश्चित है कि उसको बचाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप आपकी घटना घटने के उपरांत जितनी जल्दी आप पुलिस थाने पहुंचेंगे या साइबर ऑफिस पहुंचेंगे या पुलिस से जैसे भी संपर्क करते हैं जिन माध्यमों से, या एक टोल फ्री नंबर भी है आपका 1930 करके टोल फ्री नंबर भी है और साइबर के लिए अलग से cybercrime.gov.in करके एक वेबसाइट भी है, उसमें जितनी जल्दी आप अपनी इन्फॉर्मेशन दर्ज कराएंगे उतनी जल्दी ही आपकी मदद हो पाएगी। इसके बाद अगर हम, ये तो क्राइम की बात हो गई, लेकिन कई जगहों पर हमने देखा है कि महिलाओं के अपराध को जो लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से लेकर बड़े कंप्लेंट्स जो है महिलाएं आजकल बड़े ही ऊर्जा के साथ पुलिस के पास पहुंच रही हैं कि उन्हें कुछ सुरक्षा दी जाए, और महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उसको किस तरह से रोका जा सकता है या फिर महिलाओं को कुछ ऐसा सुझाव ताकि वो अपराधों से बच सके, उनका जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या सुझाव देंगे आप? पहली बात तो सामान्यतः ये जान पहचान के लोग ही होते हैं नॉर्मली जब इस तरह के क्राइम होते हैं, तो उनसे प्रॉपर सम्मानजनक और प्रॉपर डिस्टेंस के साथ व्यवहार करें ताकि इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो उसके लिए पुलिस है, बिल्कुल आप रिपोर्ट करें, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। अच्छा, कई बार हम जब ग्राउंड पे भी जाते हैं तो कई थानों में भी विजिट करते हैं, वहां से मेल मुलाकात भी होते हैं, जो प्रार्थी होते हैं उनसे भी हम मुलाकात करते हैं और जो अधिकारी होते हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं। पुलिस विभाग और कोर्ट, इन दो जगहों पर मामले काफी पेंडिंग होते हैं, और इन पेंडिंग मामलों पर किस तरह से जो है आप लोग काम करते हैं, क्योंकि निश्चित है कि जनसंख्या अधिक है और जो अधिकारी हैं वो कम होते हैं, तो किस तरह से इसको हैंडल किया जाता है? मूलतः अगर हमारे रायपुर की बात की जाए या छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जितने भी पेंडिंग मामले होते हैं इनके लिए लगातार एक तो क्राइम मीटिंग होती है, हम अपने अनुभाग स्तर पर अपनी मीटिंग लेते हैं, इसके अलावा थाना प्रभारी अपने स्तर पर अपनी मीटिंग लेते हैं। इनमें कुछ क्राइम्स के लिए जो है टाइम लिमिट होती है, जैसे हत्या के मामले हो गए, 3-7 के मामले हो गए, 376 के मामले हो गए, इन सब में टाइम लिमिट जो निर्धारित है उसके अंतर्गत ही हम कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही चालान पेश करते हैं उनमें। इसके अलावा कुछ मामलों में जब कोई फरार है या कोई चला गया है या कुछ नहीं आ रहे हैं प्रार्थी वगैरह, तो उनमें हम पूरी प्रयास करके ही उसको निकाल करने का प्रयास करते हैं, और ये अलग अलग तरीके हमारे द्वारा जो मीटिंग्स लेना और अलग से हमारी जो विभागीय कार्रवाई होती है वो सब के थ्रू भी हम इन पे नियंत्रण रखते हैं। आजकल राजधानी में अगर देखें तो बीते कुछ वर्षों में ड्रग्स जैसे कई मामले सामने आ रहे हैं, हजारों युवा जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं, इसके लिए कोई विशेष संदेश या फिर सुझाव, जो कि क्योंकि युवा वर्ग ही है जो आने वाले समय में इसी देश के वरिष्ठ नागरिक भी बनेंगे और इसी देश में उनको जिम्मेदारी भी मिलेगी देश को आगे बढ़ाने के लिए। ड्रग्स जैसे मामले हैं बहुत ही सोचने और समझने वाले मामले हैं कि सप्लाई और इन सब को लेकर तस्करों तक पहुँचना, तो आखिर सप्लायर जिसको सप्लाई करना है, जिसको तस्करी करना है, वहाँ पहुँच जाता है, उससे पहले पुलिस को सूचना नहीं मिल पाती है, क्या कारण देखने को सामने आता है? सामान्यतः जब ऐसे सप्लाई चेन या ड्रग्स वाली बात होती है तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली NDPS के तहत कार्रवाई करते हैं। इसके लिए पृथक से साइबर सेल भी गठित किया गया है जिसमें जो है सोर्स तक पहुंचना, जो बात आप कर रहे हैं कि सोर्स तक पहुंचा जाए करके, तो उसके लिए हमारा प्रयास यही रहता है कि जो सप्लायर है उस तक पहुंचा जाए, पूरी चेन को समाप्त किया जाए, चूंकि ये जो काम जो है लुके छिपे इंडिविजुअल करते हैं, हमको भी बड़ा आदमी जो मेन इनका सप्लायर है उस तक हम पहुंचने के लिए ही हम ये टेक्निक हम भी अपना रहे हैं वर्तमान में, कम करने के लिए, कम मिलाने के लिए, उसी रिसोर्स का ही यूज करके कहां से कैसे सप्लाई, बिल्कुल जो आदमी बेचता है वो बताएगा कि उसने माल कहां से लाया है, तो उसका उपयोग करते हुए हम लोग उसके सप्लायर तक पहुंच रहे हैं। और कई मामलों में आपने देखा भी होगा राजधानी में बड़े बड़े मामलों में भी बाहर से दूसरे राज्यों से पकड़ कर जो हम लोगों ने सप्लायर को लाया हुआ है और बंद किया हुआ है। लगातार बहुत सारे ड्रग्स के ऐसे मामले हैं जिसमें बीते अगर
वर्ष की हम बात करें या फिर बीते कुछ महीनों की ही बात करें तो ड्रग्स मामले में कई तरह के सफलता जो है राजधानी पुलिस को मिली, चाहे तस्कर हो, चाहे अंतर्राज्यीय तस्कर हो या कोई गिरोह हो, उस पर भी लगातार आप लोगों ने बहुत ही बेहतर काम किया है। इसके साथ ही एक सवाल है, क्योंकि वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं और जो निचले स्तर के, निचले कहने का मतलब उनका पद जो है उनसे छोटा होता है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन कितना कठिन होता है, कैसे तरह से वो कोऑर्डिनेशन में तो कोई कमी नहीं है। माननीय एसपी सर के निर्देशन में पूरे पर्याप्त कोऑर्डिनेशन है, हमारे प्रॉपर ग्रुप्स बने हुए हैं, जो भी मैसेज कन्वे करना होता है प्रॉपर मैसेज कन्वे होता है, समय समय पर मीटिंग के थ्रू विजन बहुत ही क्लियर रखा जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है सबको बहुत ही क्लियर है, इसमें किसी प्रकार का कोई लैकुना या लैक कम्युनिकेशन का बिल्कुल नहीं है। और इस शो को बहुत सारे जो आम जनता तो देख ही रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं जो सिविल सर्विस पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारी पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रतिभागी सामने आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचलों से भी लोग बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, तो वहाँ के लोग भी इंस्पायर होकर उनसे जुड़ रहे हैं। सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए किस किस उम्र से कर देना चाहिए, या फिर अगर कोई व्यक्ति 26 साल का हो गया है, वो सोच रहा है कि नहीं मैं तो अब बचा ही नहीं है, मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो कब मेंस दिलाऊंगा कब, तो उस तरह के लोगों के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सिविल सर्विस तैयारी अगर जिन्होंने शुरू से सोच ली है, उनके लिए तो वही है कि वो कॉलेज में प्रॉपर उस टाइप के विषय ही चूज करें जो आपको सिविल सर्विसेज में काम आए, या फिर जो फाइनल ईयर होता है हमारा, फाइनल ईयर में रहते रहते उनको तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अपने आसपास न्यूज़पेपर को पढ़ना, आसपास के करंट अफेयर्स से अवेयर रहना, समाचार पत्रों को बिल्कुल अपने आसपास की घटनाएं जो घट रही है उन सब के चीज़ों के बारे में अवेयर रहना, और अपना जो विषय है उस पर अच्छे से पकड़ बनाए रखना, और खूब मेहनत करना, जितना हो सके उतना मेहनत करना चाहिए। और रही बात जो 26 साल या 27 साल से ऊपर, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपने अगर जज्बा है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनके लिए मैं, मेरे पिताजी ने जो मेरे को एक लाइन बोली थी, मैं वो बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, मेरे पिताजी ने जब मैं सिविल सर्विस तैयारी के लिए आया था, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि छत्तीसगढ़ी में कही थी उन्होंने, कि उन्होंने कहा था हमला बार बार तैयारी नहीं करना है, एक बार करना है और होइस तो ठीक, नहीं होइस तो फिर दूसरा काम देखना है, तो वो काम लग करे बार भूत बन जाना, बोले भूत बन जाना मतलब बिल्कुल आप देश दुनिया से कट के आपको वो काम करना है, आपका जो डेडिकेशन लेवल है पढ़ाई के स्तर का वो दिखना चाहिए, और लोगों को भी लगना चाहिए कि भाई ये पढ़ रहा है, आपको तो लगना ही चाहिए, दूसरों को भी ये लगना शुरू हो जाना चाहिए। सोशल से बिल्कुल अलग हट के अगर आप तैयारी करेंगे प्रॉपर अटेंशन के साथ, तो फिर वो उम्र की सीमा नहीं दिखती, फिर वहां पर सिर्फ आपका सफलता दिखता। बिल्कुल। दूसरा ये था कि पहले टाइम पे, हमारे समय पे फेसबुक व्हाट्सएप, फेसबुक तो था, व्हाट्सएप का उतना प्रचलन नहीं था। आजकल जो यूथ हैं या सब हैं, इन सब से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन करते हैं। आप उसका यूज करें, यूज के लिए है वो, आपके टाइम पास के लिए नहीं होना चाहिए। तो आप जितना जिस काम में लगना चाहते हैं उस काम को आप अपना समय दीजिए अधिक से अधिक, तो बिल्कुल आप उस अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं मतलब ये डिजिटल का जो जमाना चल रहा है, तो उसको हमको एक तरह से रिसोर्स के युग रूप में यूज करना चाहिए, बिल्कुल। उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देना, या फिर वेस्ट के तरीके से यूज बिल्कुल करना बिल्कुल है। और इसके बाद भी जो कई सारे दर्शक हैं, उनका भी ये मानना होता है कि मेहनत रंग तो लाती है, और मेहनत का एक अलग प्रभाव भी होता है। आप जब मेहनत से पहुंचते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, आप दमदारी के साथ जीवन जी सकते हैं। इंटरव्यू के समय में कितनी पारदर्शिता जो है सिविल सर्विस में होती है, क्योंकि आपने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो किस तरह से? अब मैंने जो इंटरव्यू दिया था, मैंने इंटरव्यू बेसिकली जब प्री मेंस सब होता है, उसके बाद इंटरव्यू के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है क्लासेस लेते हैं, मैंने कोई क्लास नहीं ज्वाइन की थी। मैं, मेरे सर ही थे जो मैंने पढ़ाया था, श्री बजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने जो पढ़ाया था उनके पास मैं एक दिन गया था, और सर ने ये कहा था जो भीतर है वो बाहर होना चाहिए, मतलब कोई वो चीज ना रखो कि आपको घुमावदार जवाब देना पड़े, तो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर रहना चाहिए। तो बस वही हुआ, जो उन्होंने सवाल पूछे उसके जो जवाब मुझे आते थे, जो मैं जानता हूं तो जानता हूं, नहीं जानता हूं तो नहीं जानता हूं। आपको स्पष्टवादी होना बहुत जरूरी होता है, जो है सही रहे। एक अंतिम सवाल है मेरा, तमाम जो लोग हैं, अब डिजिटल जमाना आ गया है, लेकिन इसमें हर जनरेशन के 90s के भी लोग हैं, 2000 के बाद के भी लोग हैं, जनरेशन गैप में बहुत सारे डिफरेंट जो है एक दूसरे के थिंकिंग में हमको देखने को मिलते हैं, नागरिकों को इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
व्हाट्सएप या फेसबुक जो आप डिजिटल वाला जो बात कर रहे हैं उसमें एक तो मोबाइल का यूज़ काफ़ी सावधानी से करें। इसमें भी जो अपने पासवर्ड होते हैं, ओटीपी होते हैं, उन सब का शेयर बिल्कुल किसी को ना करें, पहली बात तो। और दूसरा, कम्युनिकेशन के लिए ये फेसबुक में आपका जो आप बनाते हैं वो उसमें जो है कम्युनिकेशन नोन लोगों से ही कीजिए, नोन लोगों को अपने दोस्त बनाइए। ये ना हो कि किसी अननोन को अपना दोस्त बना रहे हैं, अननोन से लगातार चैटिंग करना चालू कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जितना हो सके आप जिनसे वन टू वन जिनसे आपका परिचय है उन लोगों के संपर्क में रहें और उसका सावधानी से उपयोग करें। ठीक, ये बिल्कुल सही बात है कि आपका जितना अच्छा किसी से कनेक्टिविटी है फिर भी अपने प्राइवेसी को शेयर करना बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने प्राइवेसी को शेयर करते हैं तो आपके पास उस ऐसा बात ही नहीं होता, ऐसा कोई विषय नहीं होता कि आप किसी के सामने खुल ना पाए। बिल्कुल। दूसरी एक बात यह है कि राजधानी में लगातार जो है क्राइम बढ़ रहे हैं, लोगों का कहना है ऐसा कि क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और दिख भी रहा है, लेकिन हम रेशियो के हिसाब से जब देखते हैं यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से तो काफी मेंटेन है, लेकिन इसको बेहतर और कैसे किया जा सकता है? क्राइम जो बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे द्वारा लगातार विजिबल पुलिसिंग के तहत जो हम आप देखेंगे कि डेली हमारे थानों से जिन क्षेत्रों में हमको अड्डेबाजी की शिकायत आती है या किसी प्रकार के लोग के जमावड़े की या किसी प्रकार की, और जहां पर पुलिस की उपस्थिति हो ऐसे जगहों पर लगातार हम लगातार पेट्रोलिंग्स करते हैं। और इसके अलावा समय समय प्रिवेंटिव एक्शन जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, चाहे आप आर्म्स एक्ट के ले लें, चाहे आप कारी के ले लें, चाहे NDPS के ले लें, ये सब प्रिवेंटिव एक्शन जो किसी अपराध को होने से रोकने के लिए हमारे द्वारा किए जाते हैं उनमें भी हमने बढ़ोतरी लाई है। तो लगातार हमारे द्वारा यह प्रयास रहता है कि जो भी क्राइम्स हो या होने वाले होते हैं उन पर हम कंट्रोल कर सकें अपनी उपस्थिति से, तो वही काम प्रयास हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है और इसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और ये थे हमारे साथ CSP उद्यान बिहार जी, जो कि विधानसभा क्षेत्र में CSP के तौर पर वहाँ पर तैनात हैं और लगातार जो है आम जनता से जुड़े हुए भी रहते हैं, काफ़ी लोगों से कनेक्ट रहते हैं, लोगों को अच्छे सुझाव भी देते रहते हैं ताकि वो आपराधिक गतिविधि विधियों से दूर रहे। वहीं एस्पिरेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया कि अगर आप किसी काम को करना है तो एक बार करिए, उसको पूरा प्रयास डालिए उसमें, तो कहीं ना कहीं सफलता जो है आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे News+21, आपके हक की बात।